हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक और डेली ब्लॉग। यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो रही है और बस सोचा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, और अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, तो बस कैसा जाने वाला है ये भी दो तीन दिन का मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के साथ में, और जो भी होगा अपडेट देती रहूँगी। और ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पता नहीं ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इंजॉय डांस करते करते वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, और ट्राई किया है कि जब तक कवर कर सकूँ। और जो यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर के साथ में मेरे साथ में पीछे से मेरे बेबी बीबी की भी साउंड आ रही है, घर में सब लोग बैठे हैं, तो वॉइस ओवर भी कर दूँ। और आजकल ऐसा हो गया कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाते कि जस्ट बिकॉज बेबी की वजह से, क्या होता है कि उसको संभालना होता है सब कुछ, और छोटा सा बेबी होता है इस वजह से, और ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर। जैसे शूट करती थी प्रॉपर, वो भी सब कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको संभालना होता है। और इसी तरीके से दिन निकल रहे हैं अभी अभी कहते हैं छोटा चार पाँच महीने का बच्चा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको संभालना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो भी टाइम होता है जैसे संभाल लिया, एक साइड में पानी गर्म हो रहा है, एक साइड में सुबह के नाश्ते के लिए रोटियाँ बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, और इसके लिए इस तरीके से चल रहे हैं दिन। और आप लोग बताइए, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे आपके बच्चे को संभालना होता है, उसने पीटी कर दी तो आपको भागना पड़ जाता है बीच में ही, और जैसे दादी आवाज़ लगे जैसे भागना पड़ा होता है, आपको मैनेज करना है जैसे भी करना है, और पजामे लेके भागो जैसे भी होता है, क्योंकि और चल रहा है। और डायपर कैसे है कि डायपर मैं पहनाती हूँ, लेकिन जैसे अभी विंटर है तो रात में पहनाती हूँ, दिन में नहीं पहनाती हूँ, वैसे इसका डर भी रहता है। सफाई क्लीनिंग वगैरह भी होती है, लेकिन फिर भी यही कि मैं दिन में नहीं प्रिपेयर करती हूँ, बट मैं रात में पहना देती हूँ। और आजकल तो ये होगी जब से थोड़ा सा टीका होती है, जिससे देखने के लिए रात को विंटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितना कम उतना यूज करो ज़्यादा यही सही होता है कि रिलैक्स रहे जितना। तो यही है कि हैबिट बना नहीं ऐसा कि बाहर जाकर पहन पहना क्यों, ऐसा नहीं है, बट बाहर निकलना भी अभी सर्दी जैसे पड़ती है, सर्दी कम होती ज़्यादा होती है, उस हिसाब से मैनेज करना होता है सारी चीज़ें। अब मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मुझे मेरे बेबी के अकॉर्डिंग देख के चलना पड़ता है, कहीं जाना है तो सोचना है 10 बार, 10 क्या 100 बार सोचना पड़ता है, 100 क्या 1000 बार सोचना पड़ता है, कभी ऐसा लगता है। और इसी तरीके से मैनेज हो रहा है, चल रहा है, ज़िंदगी की गाड़ी है, पहिए है, बस अब ये चल रहा है ये चीज़ें, और लाइफ भी इसी तरीके से चल रही है, बातें करते करते किस तरह से हो रहा है सब कुछ यहाँ पे, बस यही है ज़िंदगी। और कहते हैं बस, और कहते हैं ना लाइफ का एक नया फेज आता है, तो बस यहाँ पे दादी जा रहे हैं, और यहाँ पे बेबी बैठा हुआ है, दादी और दादी जा रहे हैं बाहर बैठने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा देर बाहर बैठते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और बस इस तरीके से चल रहा है बच्चे को संभालते हुए दिन, सब इवनिंग वगैरह सब कुछ निकल रही है। यहाँ पे मेरा बेबी सो रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, क्योंकि आज शाम को खाने की तैयारी, दादी पोता खेलते हुए नहीं पर दादी और पर पोता खेलते हुए, और देवरानी आराम फरमा रहे हैं, और हम जा रहे हैं किचन में काम करने। बस यहाँ पे बनाएंगे रोटी, यहाँ पे एक साइड दूध गर्म हो रहा है, बस कार्यक्रम चलेगा। रख देती हूँ पहले कैमरे को, कर देती हूँ सेट, फिर करेंगे स्टार्ट। अब येलो कलर की बिंदी दिखती भी नहीं है, सपोर्ट सिस्टम। पेड़ा क्यों? पेड़ा कुछ होती है बहन, मेरा पति नहीं आ रहा इसलिए, धोखेबाज नहीं था इसलिए ना। तो रे खुशी में मुझे तो पता चले किस खुशी में, ये देखो हरकतें, ये देखो हरकतें, अब बोल बोलेगी ये क्या उल्टी पुल्टी हो रही है, फिर फोन आया घर में लगा के कि एक बहु उल्टी पुल्टी क्या हो रही है।
बोल क्या किसको सीमा है बता तो सही। नहीं, नहीं। बता बोल ना। अच्छा बंद कर दिया वीडियो कॉल। नो हाउ टू टॉकिंग टू यू बिकॉज इट्स जस्ट हैपेंड टू लाइक दिस। ये सो गए हैं। हम अपने बच्चे को लेके घूम रहे हैं, क्या करें कहाँ जाएं। मैंने दीदी को लेके दादी नींद ले रहे हैं और दादी नींद ले रहे हैं, मैं लेके बेबी को खेल रही घुमा रही हूँ और यहाँ पे सब सो रहे हैं। मैं बेबी को लेके घूम रही हूँ अकेले, देखो क्या होता है, कहाँ लेके जाऊँ वो क्या करूँ। छोटा चिमटा बड़े चिमटे के साथ में लड़ाई करते हुए चलो सही है। हाय सर माऊ किस किस का बताऊं, कैसे नहीं सुनाऊं किस का अपनी प्रेम कहानियां बाल माँ के। ये गाने मुझे मेरे को गाने का पता पहले बहुत शौक था। गाइस मैं दिख नहीं रही होंगी लेकिन मैं इसके पीछे हूँ, ये झुक गई अब जल्दी सीधे बैठ जाए जल जाएगी लग जाएगी पालतू मुझे ऐसे मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ शायद से। फिर तू देखना मेरा ब्लॉग वहाँ जाएगी। अंकित क्या है हाँ मैं तो तेरे को कमाई नहीं कर रही हूँ ये जो हो गए ना 15 दिवस में गई ना सारे तो यहाँ पे देवरानी जेठानी बातें करते करते घर में किचन का काम करने लग रही है और जिसमें आप लोगों ने देखा हम लोग बातें करते करते ऐसे ही काम करते मिल बांट के हो जाता है और इसी तरीके से खाना वाना बन जाता है और हंसते खेलते हम लोग बातें करते करते सारा काम कर लेते हैं। और कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो जितने दो लोग मिल के कर लेते हैं हंसते हैं हंसी मजाक के साथ में सारा टाइम निकल जाता है। और दोपहर में सो जाते हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बेबी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दादी रात के टाइम जी छोटियाँ मेरा छोटियाँ यहाँ पे बातें वातें कर रहे हैं। यहाँ पे बस इस तरीके से दिन चल रहा है। देवरानी को जाना था अगले दिन मायके, तो यहाँ पे सब लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जाने के लिए। तो छोटा सा ब्लॉग शूट किया था, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ना नेक्स्ट ब्लॉग में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए कीप स्माइल नेवर गिव अप। और वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करना शेयर करना एंड सब्सक्राइब।